क्या झारखंड में चल रही थी सरकार गिराने की साजिश? क्या चंपई सोरेन के सरकार बनाने से सत्ता दल के विधायक भी विरोध में थे? क्या सभी विधायक चंपई सोरेन के समर्थन में नहीं थे? ये सवाल बीते दो दिनों से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल बेबुनियाद है या फिर मनगढ़ंत है। इस तरह के सवाल के पीछे की वजह है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का एक बयान। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के उस बयान के बारे में जिससे राज्य में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता लगभग दो सप्ताह से बनी हुई है। 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने लगभग 26.5 घंटे के बाद चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने को लेकर काफी देर से न्योता दिया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सत्ता पक्ष ने राज्यपाल पर आरोप लगाना शुरू कर दिए और हेमंत सोरेन ने खुद भी विधानसभा में यह कहा कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का भी हाथ है। लेकिन बीते शुक्रवार को राज्यपाल ने सभी आरोपों का खंडन कर दिया और मीडिया के सामने एक चौंकाने वाली बात कह दी। राज्यपाल ने सरकार बनाने में हुई देरी के बारे में कहा कि इसके पीछे का मूल कारण यह था कि राजभवन के पास कुछ कॉल आए थे, जिसमें कॉल करने वालों ने अपने आप को विधायक बताते हुए कहा था कि वो लोग चंपई सोरेन की सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में मैंने कानूनी सलाह लेना उचित समझा। राज्यपाल ने बताया कि वो उन विधायकों की पहचान नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच मीडिया में एक विधायक का बयान चल रहा था कि विधायकों को हैदराबाद जाने की जरूरत क्या पड़ी, इस वजह से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मंथन करना पड़ा, लेकिन इसकी वैधता को जांचना मुश्किल था। फिलहाल चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन राज्यपाल ने राज्य की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर राजभवन में फोन करने वाले वो दो विधायक कौन हैं? वो दो विधायक कौन थे जो सरकार के पक्ष में नहीं थे? राज्यपाल के इस बयान का कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल भटकाने वाली बात कर रहे हैं। इस मामले में बंधु तिर्की ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि राज्यपाल को इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई विधायक राजभवन में फोन करेगा तो उसका पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह भटकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को बताना चाहिए कि आखिर पूरे घटनाक्रम पर उनको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी, ईडी को किसने राजभवन में घुसने के लिए परमिशन दिया था, हेमंत सोरेन को पीछे के दरवाजे से ईडी क्यों ले गई। वहीं राज्यपाल ने मीडिया के सामने इस बात को भी नकारा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही थी। राज्यपाल ने कहा कि एक समाचार पत्र ने लिखा था कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, लेकिन गृह विभाग से जवाब नहीं मिलने के कारण देरी हुई। यह समाचार बिल्कुल बेबुनियाद व मनगढ़ंत था, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्यपाल का समर्थन देते हुए कहा कि राज्यपाल ने विधि सम्मत निर्णय लिया। राजभवन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद असामान्य परिस्थितियों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया। अब इस पर भी झामुओं को आपत्ति है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।